यो व्हाट्स अप गर्ल्स एंड बॉयज़, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द प्ले वीडियोस। तो भाई लोग, हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं इंट्रो द डेट 2। तो भाई लोग, पिछली बार जैसे कि आपको याद होगा कि हमें ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाले थे, तभी हमारे पास हेलेन का कॉल आता है कि आपके दादाजी है ना इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए हमें उन्हें मतलब गोली से मारना पड़ा। पर उसने ऐसे ही उनको ग्रैंडफादर को नहीं मार दिया, क्योंकि जो हेलेन है ना इसकी वाइफ है। तो हुआ ऐसा कि इनके ग्रैंडफादर ने है ना मैगी पर अटैक किया, जो इनकी बेटी है इस पर अटैक किया था, इसलिए उसको मजबूरन इसके दादाजी मतलब ग्रैंडफादर को मारना पड़ा इसलिए। और भाई लोग, इनकी कॉल है ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वहाँ की जगह है ना मतलब हेलेन और मैगी दोनों है ना अब अकेले हैं, और पता नहीं क्या होने वाला है आगे। तो चलते हैं भाई लोग, जिन्होंने भी नए बंदे हैं ना वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेना और क्या, जब भी तो आपको आगे की स्टोरी पता चलने वाली है। 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं, और हम 7 डे पे आ चुके हैं, अभी 7 दिन होने वाले हमारे। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो भाई लोग, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और क्या, चलो चलते हैं फिर। तो भाई लोग, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, आज का गेम प्ले है ना बहुत हार्ड होने वाला है, हार्ड होने वाला है और क्या। तो चलते हैं, हमने कुछ गन ले लिए, वैसे हमारे पास शॉर्ट गन है पर वो है ना 2 लेवल की है, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 लेवल की है, 2 लेवल की है वो। चलते हैं, हमारे पास 3 लेवल की गन होना चाहिए अनिवार्य, नहीं तो हम मारे जाएंगे इस गेम में। हमारे पास पहले तो 1 लेवल की थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब जो ज़ॉम्बी है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं, और हमें इसमें गोली भी काफ़ी बचानी पड़ेंगी। देख रहे हो आप हमारे पास कितनी कम गोलियाँ हैं। ये पिस्तल और ये गन हमारे पास लास्ट तक रहने वाली है, तो हमारे इनको सेफ करके रखना पड़ेगा। हमारे पास चाकू तो लगभग ख़त्म होने वाले हैं, चाकू हमारे पास 3-4 थे, वो हमने इस्तेमाल कर लिए फर्स्ट एपिसोड में ही, पर हमारे पास अभी एक चाकू और है, वो भी शायद लास्ट ही बचा है मेरे हिसाब से, तो उसे हमने आराम से इस्तेमाल करना है, नहीं तो हो सकता है पीछे हम इस्तेमाल कर लें और आगे जाकर हमें चाकू की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी वैसे तो। और ऐसा नहीं है कि अभी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, पर इन चैप्टर में ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लेवल आने वाले हैं और ज़्यादा। अभी तो 2 ही डे हुए हैं तो इतनी परेशानी आ रही है, अभी जब 3rd डे 4th डे आ जाएंगे जब पता नहीं क्या होगा। तो चलते हैं आगे, गोली भेली करते करते, फायर करते करते, ज़ोंबी को मारते मारते हमें पहुंचना है हेलेन के पास। तो हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, वैसे वो मतलब अपने ग्रैंडफादर है ना उनके घर पर रुके हुए थे, पर वहाँ पर हमला हो गया था, पता नहीं वो कहाँ पर है अभी फ़िलहाल में। बस 60 बुलेट है, मुझे आराम से इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसे दूरी कम बची है, मुझे ज़्यादा भागना नहीं है अभी, इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था। 14 गोली हमारे पास शॉर्ट गन की भी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसे भी रिलोड कर ली है शॉर्ट गन को भी, ठीक है। लगभग हमारा टास्क कम्प्लीट होने वाला है आज के दिन का। रात हो रही है ना, वैसे इतनी ज़्यादा रात नहीं है, पता नहीं रात है पर दिन का टाइम नहीं है, इसमें ऐसा ही माहौल रहता है इस गेम में। तो भाई लोग, हमारे पास कॉल आ चुकी है, तो भाई लोग जेम्स हेलेन को बार बार पूछता है, हेलेन हेलेन क्या हुआ। तभी हेलेन रोते रोते जवाब देती है, आई एम सॉरी। तभी जेम्स उसको हेलेन को बोलता है, कोई बात नहीं, पर मेरी बात सुनो तुम, एक मिनट जो हो गया वो हो जाने दो, और तुम है ना अभी मैगी की मदद करो, मतलब हमें है ना सब्र से काम लेना पड़ेगा, और तुम है ना जल्दी से जल्दी वहाँ से हीटो, मतलब उस जगह से हीटो, क्योंकि वह उस जगह है ना सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें वहाँ से भागना पड़ेगा, और जेम्स की मतलब हेल अपनी जो बेटी है ना मैगी उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो वहाँ से जल्दी सी मतलब कोई सेफ लोकेशन पर जाओ। तो भाई लोग, नाइट वहीं पर एंड जाती है, और यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे मैंने दे दिया किसी किसी का जवाब, किसी का नहीं दिया। तो भाई लोग, 2nd डे पे चलते हैं हम, मतलब 8वें डे है ये, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो भाई लोग, हमें पता नहीं है कि हेलेन मतलब हेलेन कहाँ जाने वाली है, तो वो तो हमें आगे की स्टोरी में पता चलने वाला है, तो चलते हैं आगे की स्टोरी में। तो भाई लोग, जैसे जैसे है ना हमें मिशन कम्प्लीट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लेवल भी काफ़ी हार्ड आते जा रहे हैं यार। हमें ट्रेन की पटली पे भागना है, कहाँ कहाँ भागना है, कहाँ कहाँ भगा रहे हैं यार ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस मज़े लेना है गेम की स्टोरी के, क्योंकि स्टोरी है ना काफ़ी इमोशनल है यार, अगर आप इस इमोशन स्टोरी में जाओगे ना तो आपको कुछ ज़्यादा ही इमोशनल लगी। तो भाई लोग, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो आपको पसंद तो आ ही रहा है, तो सब्सक्राइब ना हो और लाइक तो कर ही देना,
क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे ना, तो कर लो भाई। लाइक हमारा ये डॉग है ना, वो भी काफ़ी मस्त खाइट लेता है, ये देखो खट से पकड़ लेता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वो हमारी। और हम ये डॉग है ना हमारा, हमारी बेटी के लिए आया जा रहा है, मैगी के लिए। तो चलते हैं भाई साहब, देख रहे हो आप, एक गोली में पहले तो बंदा ढेर हो रहा था, मतलब ज़ोंबी है ना ढेर हो रहे थे, पर अब नहीं हो रहे, इसलिए हमारा डॉग है ना काफ़ी हमारी हेल्प कर रहा है और कर रहा है। चलते हैं आगे की तरफ, काफ़ी ज़्यादा गोली हमें वेस्ट भी हो रही है और मिल भी रही है टाइम टू टाइम पे, अगर नहीं मिलती ना हमें तो हम जाते काम से। हमारे पास 4 ग्रेनेड है पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम जब इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास वैसे 9 ग्रेनेड है क्रेट में, पर हम ग्रेनेड जब ही इस्तेमाल करेंगे जब टाइम आएगा, क्योंकि हम ना सभी चीज़ को अभी अवेयर के रख रहे हैं, मतलब संभाल के रख रहे हैं। और काफ़ी सारे ज़ोंबी भी, 2 गोली बची है मेरे पास, पर सामने हमें गोली मिल जाएगी, ज़्यादा ज़ोंबी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने गोली का इस्तेमाल किया। भाई साहब मेरे को है ना सिर्फ इसकी जो गोली मिली है 8 गन की, सिर्फ ये भी पिस्तल ही है SMG सिस्टम। नहीं यार काफ़ी, मेरे को लग रहा था वो एकदम से सामने आएगा पर नहीं आया, वो कोई दिक्कत नहीं है। लोग हमें इस साइड जाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि हमें आगे एमो ना मिले, ये दिखता है ना उजाले जैसे, यहीं पर हमें जाना रहता है किसी, नहीं तो कोई ना कोई हमें वैसे ही मार देगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर काश ऐसा होता हम इसमें ट्रेन चला पाते तो हम रिविस रिविस ट्रेन तो ले आते थे, क्योंकि हम फटे भी तो भाग रहे हैं, पर हो सकता है उन ट्रेनों में ज़ोंबी हो काफ़ी ज़्यादा जो हमें मार दे, इसलिए हमें ट्रेन में नहीं बैठा जाएगा, हमें स्टोरी टू स्टोरी ऐसे ही भागना है और ट्रेन की पटरी को पार करते हुए इसे सीधे सीधे जाना है यार हमें। ट्रेन से जाएंगे शायद, हो सकता है हम और कहीं पहुंच जाएं। देख रहे हो नज़ारा काफ़ी सही दिख रहा है, चलो करते थे बात तब। तो हेलो वोकीटो पे कॉल आ चुका है और हेलेन जो जेम्स हेलेन से पूछता है क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, तभी हेलेन बोलती कि हाँ मैं इसमें सुन पा रही हूँ, और मैं है ना अभी कार में, मतलब मैंने कार ढूंढ ली अपनी, जो कार खड़ी थी ना मैं कार तरफ जा रही हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी कार में बैठ के और यहाँ से निकल जाऊँगी, मतलब ग्राउंड टाउन की तरफ, मतलब कोई लोकेशन है वहाँ पर ये पहुँचने वाले हैं। तो भाई लोग और ये सेफ भी है अभी, तो हमें अभी ये तो पता चल चुका है क्योंकि ये सेफ है, तो हमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ये कार में बैठ के ग्राउंड टाउन की तरफ जाने वाले हैं अभी। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखेंगे कहाँ पर पहुँचे हैं ये उस। तो भाई लोग आ चुके हैं हम 2nd डे, तो यहाँ पर थोड़ा उजाला टाइप हो रहा है, मतलब सूर्य उगने वाला है या उगनाने वाला है पता नहीं मेरे को। तो हमें अभी 2000 मीटर कुछ समथिंग भगना है भाई लोग। अगर है ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इस गेम में अगर जीतना है ना आपको और इस स्टोरी को फॉलो नहीं किया आपने, तो आपको इस गेम में कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। अगर आपने अगर ये गेम डाउनलोड करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, पर अगर आप खेलोगे तो जब तक आप इस स्टोरी को नहीं जानोगे नहीं पढ़ोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आने वाला। मेरे को पता है काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे हैं मतलब जो होने वाले हैं मतलब है वो जहाँ उनको कम इंग्लिश आती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो भाई लोग आप मेरे मैच को देख सकते हैं और मेरी तरह स्टोरी लाइन कवर कर सकते हो यार। तो चलते हैं आगे की तरफ और फुल वीडियो देखना भाई लोग, जब ही आपको फुल स्टोरी के बारे में पता चलने वाला है, नहीं तो आप डबल से देखना पड़ सकता है आपको। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। मेरे को पता था ऐसे ही हमें चाकू का इस्तेमाल आएगा भाई लोग, मैंने उसके खान में चाकू घोप दिया यार। चलते हैं आगे की तरफ, काफ़ी इमोशनल स्टोरी होती जा रही है धीरे धीरे। और अभी तो कार में बैठे हैं, पता नहीं कहाँ पर क्या होने वाला है समथिंग। ठीक है क्रेट में से कुछ एमओ मिल जाए तो अच्छी बात है भाई साहब, हमें 60 एमओ और मिल चुकी है, 60 तो खैर नहीं मिली हमारे पास, शायद कुछ एमओ पहले से थी कुछ ही मिली भाई लोग। हम जिस हाथ पे इनके गोली चला देते हैं ना वो हाथ ही टूट जाता है यार, पर पता नहीं कैसे, शायद ज़्यादा एमओ लगने की वजह से। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में, पर रियल लाइफ में आपने कहाँ टेस्ट किया होगा ज़्यादा, जैसे गेम है ना ये रियलिस्टिक जैसा ही है, फुल रियलिस्टिक जैसा ही है। देखो अगर हम पेड़ से टकराएंगे तो हम रुक जाएंगे समथिंग, सब राइट है पूरा का पूरा गेम। और ऐसे काफ़ी फिल्में भी है जिनमें ऐसी स्टोरी देखने को अपने को मिलती है, बस इनके साथ है ना काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ,
आगे हमें 60 मीटर्स और भगना है फिर हम कॉल कर सकते हैं उनको, मतलब जो हमारी हेलेन वाइफ है उनको हम कॉल कर सकते हैं। चलते हैं और 40 मीटर्स नहीं, ये ज़ोंबी काफ़ी ज़्यादा है यार, बढ़ते जा रहा है। तो भाई लोग अगर आपको, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ कभी कभी, तो अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं सभी बातें हिंदी में बोलूँगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है यार ज़ोंबीस, एक गोली में नहीं मर रहा है। चलो ठीक है, हम एक सेफ लोकेशन पे आ चुके हैं, अब हेड़ते हैं हमारा वॉकी टॉकी और बात करते हैं हेलेन से। तो पूछते हैं, तो भाई लोग हेलेन जेम्स को बताती है कि हम सेफ हैं और कार में पहुंच चुके हैं, पर हमारी कार में फ्यूल है ना ख़त्म हो चुका है। तो वो बताती है कि हमें है ना फ्यूल काफ़ी जल्दी मिल सकता है, हमें उम्मीद तो है। तभी जेम्स हेलेन से पूछता है कि डेड के बारे में कुछ बताओ, मतलब इसके जो दादाजी उनके बारे में कुछ बताओ फादर। तो जेम्स हेलेन उनको बताती है कि तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे हेलेन, तुम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना। तभी हमें एक टैंकर दिखाई देता है और हम देखेंगे नेक्स्ट नाइट में क्या होने वाला है, हमें टैंकर दिखाया तो दिया है, चलते हैं नेक्स्ट नाइट में क्या होने वाला है, उस टैंकर को हम क्या करने वाले हैं, तो चलते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है हमारा मैच और हम टैंकर में बैठ चुके हैं अब, तो हम आगे की फ़ाइट टैंकर से करने वाले हैं शायद, हो सकता है। तो हम टैंकर को ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, टैंकर जिधर चल रहा है उधर ही चलेगा, बस हम इससे फायर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स है, तो फायर कर सकते हैं हम बस इससे, जो हम नहीं कर रहे हैं तो कर लेंगे। ये देखो सब बहुत हाँसू चल रही है यार, ये गन ज़ोंबी हो तो फायर करने में मज़ा आता है, पर इतने ज़्यादा ज़ोंबी अब आ नहीं रहा है। देखो हमारे पास टैंकर मिला है पर ज़ोंबी नहीं आ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबीस हैं पर इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो देख सकते हैं हम टैंकर में बैठ चुके हैं भाई लोग। अभी हम पैदल चल रहे थे पर अब हम टैंकर बैठ चुके हैं आधी दूर, क्योंकि हम पहले से ट्रेन है ना इन सभी चीज़ों के लिए, इसलिए हम टैंकर में बैठ, टैंकर कुछ ही देर का था क्या हमारे पास, साला वो फंस गया है यार टैंकर, इसलिए शायद हो सकता है क्योंकि वो एक दिशा में चलता है ना टैंकर, से आगे या पीछे हो सकता है, लेफ्ट राइट का शायद उसमें सीजन नहीं है, शायद किसी क्रेन रेन से करना पड़ेगा। यार क्या बना के रखा है यार हमारे इंडियन आर्मी वालों ने। चलो तो ये इंडिया गेम नहीं है यार, इंडिया का गेम होता तो बात ही कुछ और होती। तो हमें नेक्स्ट टाइम पता चलेगा और क्या हुआ, गेम हुआ और हमने हेलेन है ना, हेलेन ने हमें कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। तो भाई लोग हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा हेलेन के पास, मतलब जेम्स के पास, और फिर हेलेन हमें बताएगी, जेम्स को हेलेन के पास जल्दी पहुँचना पड़ेगा। और उसने मैगी का अभी कुछ बताया नहीं कि मैगी कैसी है, ठीक है या कुछ भी नहीं यार। चलते हैं आगे की तरफ, जल्दी से जल्दी जाएंगे। तो हम शॉटगन काफ़ी सही चल रही है यार हमारी, नहीं 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 नहीं। तो भाई लोग हमारी चीरा फाड़ी हो चुकी है, अब हमें नेक्स्ट डबल से स्टार्ट करना पड़ेगा, 700 मीटर और कुछ बचे, 700 कुछ मीटर यार। चलो करते हैं रीस्टार्ट, यहाँ पर कुछ आसमान ही दिख रहा है यार हमें, तो कुछ भी नहीं दिख रहा और कुछ तो शायद दिखेगा भी नहीं क्योंकि पर लोग सिधार गए ना। चलो भाई लोग फिर से हम आ चुके हैं टैंकर में, और टैंकर में से दो लीवर देखने को मिलते हैं हमें, वो टैंकर हो चुका है स्टार्ट। तो हम इस दौरान तबाही मचा देंगे पूरा, एक एक ज़मीन खोद डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यार, साला पूरा खोद डालेंगे हम इतना। भाई ज़ोंबी है ना हमारे, काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबी हमारे, मतलब जो टैंकर है ना इसमें चपटा के मर रहे हैं, क्योंकि हमारा टैंकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार, वो जो ज़ोंबी होते हैं ना वो उसके नीचे दब जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। हमारा टैंकर शायद उड़ने भी लगा मेरे को लगा, और हम कुछ यहाँ पर आ चुके हैं अलग जगह पर। हमारा टैंकर यार काफ़ी सही चल रहा है अभी की कंडीशन में, तो अगर वो अगर इधर मूव हुआ ना तो हम उसको साइड से भी घेर सकते हैं, पर वो ऐसा होगा नहीं। चलते हैं आगे की तरफ, हमने तबाही मचा दी और हमारी गोली भी बेस्ट हो गई, और मुझे पता नहीं था कि हमारी गोली बेस्ट होने वाली इसमें, नहीं तो मैं चलाता नहीं। हमारी गोली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो गई इसमें, टैंकर में नहीं, हमने टैंकर से इधर मतलब जो फायर किया था ना उसमें गोली वेस्ट हो गई, हमने हाथ नहीं हटाया तो टैंकर से गोली चल गई। नहीं नहीं नहीं, इस बार हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम इस बार ईज़िली निकलेंगे यहाँ से, मतलब ईज़िली यहाँ से स्केप करने वाले हैं इस नाइट से,
हमारे पास गोली है ना, सब चला देंगे पर यहाँ से इजीली बाहर निकल लेंगे। इनको ज़ोंबी को ना एक एक गोली मार देना तो मतलब थोड़े लुस्त हो जाते हैं, मतलब आने की कंडीशन में नहीं रहते वो। अगर हमें हमारे पास गोली कम है, ये देखो इन ज़ोंबी को ऐसे छुटकारा पाना चाहिए, ये साले आगे जाएंगे हमसे बचने के लिए, हम उस उसी कंडीशन में भागो और फिर दूसरी तरफ से हिट जाओ। इधर भी टैंकर है पर वो हमारे किसी काम के नहीं है क्योंकि वो फूट चुके हैं और पता नहीं ज़ोंबी ने उन्हें क्या किया कि वो फूट गए। शायद मुझे लगता है एक दूसरे में टकरा के फूट गए होंगे, ये पेड़ में टकरा गए होंगे कुछ टैंकर्स, पर टैंकर्स काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं यार, पता नहीं कैसे फूटे होंगे। 9 गोली थी हमारे पास, कुछ 10 गोली हमारी मिल चुकी है हमें, हमारी जो SMG पिस्तल है उसमें भी और शॉट गन में भी हमारी कुछ गोली आ चुकी है। हमने उसे रिलोड नहीं किया, रिलोड मंग रही है पर अभी कर लेंगे हम रिलोड। 300 मीटर कुछ और भागना है हमें 3 गोली के साथ, 113 गोली मान सकते हो तुम। यहाँ पर हमारे 20 मीटर्स बचे हैं और हम शायद सेफ होने वाले हैं। हम इनको लड़ेंगे इन्हें ना, हमारे पास 2 गोली है, इनको मारेंगे इनसे। और 40 गोली हमें इसमें मिली है तो चलते हैं आगे की तरफ। पहले हम डबल से ट्रेन के उस पर आ चुके हैं डब्बे तरफ और कॉल आया हमारे पास। तो भाई लोग जेम्स हेलन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना और हमारी मैगी जो है ठीक है ना। तभी हेलन बोलती है हम नहीं, हम नॉट ओके, मतलब हम ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और हमें एक टैंकर दिखाई देता है ट्रेन के ऊपर, अब देखते हैं हम उसमें रुकने वाले हैं क्या करने वाले हैं, और हमारे जो मैगी और हमारी जो वाइफ है दोनों ही सेफ नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। 11th एपिसोड में आ चुके हैं भाई लोग अब। तो भाई लोग मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमने जो रात गुजारी है ना वो टैंकर के अंदर गुजारी है, और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। पिस्तल और ये ले लेते हैं हमारी गन्स कौन कौन सी हमारे पास, डॉग तो पहले से ही है हमारे पास, अगर कुछ अलग होता डॉग के अलावा तो कुछ और बात होती। 4th-3 लेवल की एक गन है हमारे पास, एक 4th लेवल की बता रहा है, पर हमारे पास सिर्फ एक 3 लेवल की, एक 2 लेवल की है, तो हम 2 लेवल की रख लेते हैं पिस्तल, क्योंकि जो हमारी शॉट गन है ना वो काफ़ी जल्दी खाली हो जाती है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई लोग जैसे कि मैंने बताया था हम इसमें नाइट रुक चुके हैं और हम शायद अब ट्रेन टू ट्रेन भागेंगे क्या, नहीं लग तो लग भी नहीं रहा था मेरे को, क्योंकि इसमें जंप का ऑप्शन नहीं है ना यार। अगर जंप वंप का ऑप्शन और दिया होता ना तो हम ट्रेन टू ट्रेन भागते, मतलब हमारे हिसाब से स्टोरी रहती, पर अभी हमारे हिसाब से स्टोरी ज़्यादा कुछ है नहीं और स्टोरी की लाइन से ही चलेगी। हम सोचे हमारे हिसाब से चला लें GTA 5 की तरह, तो नहीं चलेगी भाई, उसके हिसाब से ही चलेगी। बस हमें इसको कंप्लीट करना है जो हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। फिर हम सेकंड एपिसोड में आए हैं भाई लोग, और काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबी बढ़ चुके हैं। यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना था पर हम नहीं चढ़े, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से यहाँ पर आ ही रखी थी यार, काश हम ऊपर चढ़ पाते यार ईज़िली। हमारे पास पर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अभी तो एमओ है हमारे पास, और हम एमओ से ही काम चलाने वाले हैं अभी। तो कुछ ज़्यादा हमें मीटर भागना नहीं है क्योंकि हमारे पास एमओ मिलती जाती है ना हमें, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये देखो ये कार है, उसका हाथ ही अलग हो जाता है यार ज़ोंबी का। इतनी अच्छी पिस्तल है हमारे पास, इतनी अच्छी SMG पिस्तल है, क्या करेंगे वो। नहीं 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 मार दिया रे, मार दिया। तो भाई लोग आप देख रहे हो क्या क्या हेड है हमारे शरीर में से, ऐसा कुछ निकलता है, निकलता होगा पर पता नहीं, ज़ोंबी है वो कुछ भी हेड सकते हैं हमारे साथ में से। और इसमें शायद कुछ लेवल्स रहते हैं यार मेरे हिसाब से हमारे भी, हम जितनी ज़्यादा डैमेज खाते हैं ना इस हिसाब से वो हमें जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर उन्होंने मेरे को एक भी दान पंजा मार दिया ना हम भी इम्फेक्टेड हो जाएंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। ओहो भाई साहब ज़ोंबी कदार बढ़ती जा रही है आप देख रहे हो, पर हमारा डॉग किधर गया, हमारा डॉग नहीं दिख रहा है मेरे को, शायद वो पीछे ज़ोंबी मारता हुआ आ रहा है। नहीं 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 इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास वहाँ पर चढ़ने लायक, ठीक है हमारे पास इतना टाइम नहीं उसके ऊपर चढ़ने लायक, इसलिए हम पिस्तल से काम चला लेंगे। हमारे पास काफ़ी एमओ है यार, एक एमओ भी गंज होती है एक ज़ोंबी को मारने के लिए। ये देखो ये मिल गई ना सोलो एमओ, सोलो नहीं भाई सर 16, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है हमें इनसे काफ़ी ज़्यादा बचना पड़ेगा, नहीं तो बचते बचते लग गए रास्ते, बचने में ही सब कुछ भलाई है, बचे नहीं तो कुछ भी नहीं। एक साला ये देखो हमारा डॉग आ गया ना, दूसरी तरफ से आया भली वो, पर आ गया, उसने भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबी मारे यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मारे,
पर वो जो बड़े ज़ोंबी होते हैं ना वो उनको पहले से ही सूंघ लेता है और फिर उनको नहीं मारता वो, क्योंकि जो बड़े ज़ोंबी है ना वो इनको ही पकड़ लेते हैं। भाई किधर जाएगा यार ये टोक हमारा, देखो तिरछा तिरछा जा रहा है, उधर मत जा यार, आ जा फिर पीछे। शायद उसको पता नहीं था कि इधर नहीं जाना है। नहीं 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 मेरी जान ना हो परेशान, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तो ये लोग चलते हैं यार जल्दी जल्दी, काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर हमारे को। और ये हमने हमारी पिस्तल की है ना कलर भी काफ़ी चेंज कर लिया, मतलब इसकी स्किन लगा ली है थोड़ी, और ये इसका डैमेज भी शायद बढ़ गया है। वो हमने पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में ही शायद, और इसको भी हम अपडेट करेंगे अभी घर पर रहकर, घर पर नहीं मतलब कहीं रुकेंगे जब हम इसको अपडेट करेंगे और ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट में, अभी नहीं नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आवश्यकता, नहीं तो हम तो चल ही रहे हैं ना, हमें कुछ दिक्कत हो रही है। तो भाई लोग चलते हैं आगे की तरफ और हमारा टास्क कंप्लीट। तो भाई लोग यहाँ पर आगे तो मुझे कुछ पहाड़ी जैसी नज़र आ रही है और एक गुफा देखने को मिल रही है, चलते हैं आगे की तरफ। से बोलती है कि आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने अभी जो हमारी लाइन काट दी थी, और मैं है ना अभी रोड पर आगे जा रही हूँ, पर पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि गाड़ी में फ्यूल था पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर स्टार्ट होने के बाद हम रोड पे काफ़ी आगे आ चुके हैं, पर अब मेरी कार का फ्यूल जो है ख़त्म हो चुका है। और जब ही जेम्स हेलन से पूछता है कि तुम्हारे पास गन है कि नहीं, तो हेलन बोलती है कि हाँ मेरे पास गन है, और मैं जब कुछ मतलब ज़ोंबी अटैक करते हैं तो मैं उनका मतलब फायर करती हूँ, पर ऐसी ईजिली फायर नहीं करती, मतलब जब हमारे पास हमला होता है जब भी फायर करती हूँ ऐसे बेसिकली फायर नहीं करती हूँ। तो ये लोग हम जिस गुफा की अभी पिछली बार देखी थी हाँ उसमें अब घुसने वाले हैं, मतलब जो ट्रेन की पटली है उसमें हम आगे जाने वाले हैं, और हमें यहाँ पर बेसिकली काम लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको है ना काफ़ी बार ट्राई किया है घर पर और ये मेरे से कंप्लीट नहीं हो रहा था ये लेवल, और मैंने इसको है ना घर पर काफ़ी बार ट्राई करने के बाद इसको कंप्लीट किया है। तो इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और इसको मैंने कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया भाई लोग, जब जाके ये वीडियो आया नहीं था, ये वीडियो है ना मैं कल ही डाल देता, पर बेसिकली ये कंप्लीट नहीं हो रहा था मेरे से इस में, तो मैंने कंप्लीट काफ़ी बार किया और इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा गेम को खेला, और जिसके बाद मुझे जो कॉइन्स मिले उससे मैंने गन को अपडेट किया, जब जाके मैंने इस लेवल को है ना कंप्लीट कर पाया हूँ। और देख रहा है मेरे पास एमो भी नहीं 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 ख़त्म हो चुकी है, तो हम नहीं 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 भाई लोग बीच में से हेड़ दो मेरे को, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना इसी बात पे। और हमें आगे पता चलने वाला है कि उनको फ्यूल मिला है या नहीं, कुछ क्या होने वाला है, तो चलते हैं लेटर में आगे, मतलब कहानी में आगे बढ़ते हैं। और ये लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा मैंने रुक के कंप्लीट किया, और इसकी कहानी मैं आपको आगे नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हमने गन अपडेट की और ये लेवल कंप्लीट हुआ हमारा, जब भी हमारे पास 7 MO है यार, इसमें आगे भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ना हमें लेवल के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जा सकते हैं बहुत जल्द, जैसे कि आपने अभी दो बार हमारी समझ ही बन गई यार। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंटेनर थे, मैं उनको अगर शूट करता ना तो हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो जाते और जिनमें वो ज़ोंबी मर जाते, पर हम राइट साइड से लेफ्ट राइट से मूव होते चल रहे हैं तो हम उनमें फायर नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। काफ़ी ज़्यादा जो बर्ड्स है वो भी उड़ रहे हैं यार, पक्षी काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं हम उनको पका के थोड़ी खाने वाले हैं। पर मेरे को ये नहीं पता इस कहानी में हमने खाया क्या इतने दिनों से, क्योंकि 2 दिन हमें हो चुके हैं इसमें, 2 दिन में काफ़ी दिन हो चुके हैं, 2nd chapter चल रहा है हमारा, पता नहीं हमें क्या मतलब, हमें कहानी पूरी करनी है लेटर। दोनों साइड से अब जी फास्ट वाले ज़ोंबी नज़र आ रहे हैं मेरे को इस लेवल में। तो भाई लोग एक सेफ लोकेशन पे आ चुके हैं हम, तो भाई लोग हेलेन का कॉल आ चुका है, और तो भाई लोग कॉल आता है और हेलेन जेम्स को कुछ भी नहीं बताती, और जेम्स समझ जाता है कि भाई साहब इनके ऊपर है ना ज़ोंबी का हमला हुआ है, और हेलेन है ना घबरा गई है। तो हेलेन जेम्स हेलेन को समझाता है, मोटिवेट करता है कि तुम्हें मैगी की मदद करनी होगी, उसको सेफली पहुँचाना होगा, मतलब सेफ रखना पड़ेगा, और तुम्हारे पास गन है उसे चलाओ। तो घबरा गई थी तो वो गन नहीं चला रही थी, पर हमने इतना उसको बताया है तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो हो, और यहीं पर लाइन हमारी कट हो जाती है, तो पता चलेगा आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट से 13वें नाइट पर। 13वें नाइट पहुँच चुके हैं। तो भाई लोग हमने गन टांग ली हमारी पीठ पे और बम हम रख लिए 2-4, चाकू तो ख़त्म हो चुके हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबी के पेट में घुसड़ दिए। चलते हैं आगे की तरफ,
इसमें है ना, हम चाकू के सीधे उनके शरीर में तान देते हैं, ना कि उनको वो अपना जैसे टेक्नोलॉजी और बताता है उसको चीरा फाड़ी नहीं करते। चाकू रख लेना चाहिए था यार इनको, पता नहीं क्यों इनने हटा दिया इसमें से। नहीं 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 भाई साहब, तो भाई लोग देख रहे हो आप ग्लिच, सो मतलब ट्रेन के उस साइड से इस साइड मार दिया यार उसने, पता नहीं यार। चलो नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है हमको। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत तो है ही नहीं, नहीं क्योंकि ग्लिच तो ग्लिच होता है, उसमें हम कुछ थोड़ी कर सकते। पबजी में ग्लिच, सब गेम में ग्लिच ही तो है, साले सोल्व क्या करते हैं। वैसे चलते हैं 200 नहीं पता नहीं, चलो चलते हैं आगे की तरफ। हमें बहुत ज़्यादा भगना इस दान, और हमारे पास SMG पिस्तल है हमारी सेफली के लिए, और भी कुछ है हमारे पास, एक पिस्तल है ना, 3 ग्रेनेड है हमारे पास और कुछ नहीं। चलते हैं आगे की तरफ, पर हमारी पाइप के पास तो शायद एक पिस्तल ही है और कुछ ही नहीं है उसके पास यार। शायद उसकी स्टोरी हमें मेंटेन करने को मिलती तो कितनी इजी होती, पर अगर हम उसकी स्टोरी मेंटेन करते ना तो ये स्टोरी नहीं होती, ये गेम होता ओनली फिर तो। ठीक है चलते हैं आगे की तरफ। हमारे भाई सब ज़ोंबी का अटैक देख रहे हो आप, ज़ोंबी का अटैक बढ़ता जा रहा है और कुछ नहीं, यही बता रहा था मैं। पिस्तल में एमो ख़त्म हो चुकी है, वो हमारी जो SMG पिस्तल है ना, ऑटो पिस्तल, उसमें एमो ख़त्म हो चुकी है हमारे पास। 20 बुलेट्स की मार्क आ चुका है भाई साहब, आराम से इस्तेमाल कर, 20 गोली है तेरे पास, एक कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हमारे पास बहुत गोली है, मतलब 20 गोली तो काफ़ी ज़्यादा है पिस्तल के लिए, 10 गोली भी होती काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक एक चलती है ना पिस्तल, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती हमको। और ये कंटेनर मिल जाते हैं रास्ते में, इनको फोड़ते जाए ना तो इजीली हो जाता है गेम, क्योंकि उतनी जगह के ज़ोंबी ना मर जाते हैं उससे। वैसे मुझे उस साइड से जाना था पर मैं नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा है अगर गन में एमो ना हो तो। पर हमें मिल चुकी है एमो भी, तो रिलोड कर लेते इसको भी। वही सब देख रहे हो तुम ज़ोंबी का, नहीं 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 भाई, मत पकड़ मत पकड़ मत पकड़ मेरे को, एक पता है तुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हो तुम्हारी कदार। तो भाई लोगों हमें अभी ऑटो गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे के लेवल में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबी देख रहे हो तुम बढ़ते। नहीं 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 भाई सब देखो, मैंने उनको कैसा चकमा दिया, या फिर कुछ ग्लिच था मेरे को नहीं पता, शायद ऐसा रहता कि हम इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, कितना ईजी होता हमारे लिए गेम, पर वो कहते हैं ना टकरा जाते तो क्या होता। चलते हैं आगे जल्दी जल्दी, और देख रहा हूँ वहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दिया, उस सामने वाले घर में कुछ था ऊपर की तरफ, शायद ज़ोंबी होंगे, मैंने देखा नहीं। हम ट्रेन स्टेशन पे आ चुके हैं यहाँ पर हम, और पता नहीं ट्रेन स्टेशन पे अब क्या करने कर ले हैं हम। तो ठीक है फोन आ चुका है, तो भाई लोग इधर हेले ने हमें कुछ बताया नहीं है, पर उसने बुकेटों के ऑन कर दिया ताकि वो उस कंडीशन के बारे में बता सके। तो हमारी जो बेटी है मैगी, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और साउंड क्रिएट कर रही थी, पर वो शायद कुछ गाड़ी वाड़ी के साथ डिग्गी के में भी बैठे हुए हैं शायद मेरे हिसाब से, तो वो साउंड मना कर रही थी उसे कहने की, मतलब हमारी वाइफ है वो उसको साउंड करने की मना बोल रही थी, उसके हाथ पे उसके मुँह पर उसका हाथ रखा हुआ था, पर पता नहीं क्या होने वाला है मेरे हिसाब से। उनने हमें इतने बताया और कुछ नहीं बता पाए, और इतने में फ़ोन कट मतलब कॉल कट हो चुकी है हमारी, और हम अभी बहुत परेशान हैं कि आगे क्या होने वाला है। चलते हैं जल्दी जल्दी, इस लेवल कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा क्या हुआ था। तो भाई लोग हमें कुछ नहीं बताया यार अभी तो इसकी वाइफ ने, क्या होगा क्या नहीं। और हमारी जो बेटी मैगी है ना, वो भी चुप नहीं हो रही थी, शायद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो आगे पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? नहीं यार नहीं चढ़ सकते, तो हमें पिस्तल भी हेड़ना पड़ सकता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर नहीं भी हेड़ना पड़ रहा है। जैसे आप मौसम का हाल देख सकते हो कितना डेंजरस लुक दे रहा है, पूरी जगह पर लाल लाल उजाला हो रहा है, मतलब शाम के टाइम का वक्त है मेरे हिसाब से, क्योंकि शाम के टाइम ऐसा होता है आगे जल्दतर, मतलब दिन खुल जाता है दिन, मतलब जब आपको पता होगा यार, मैं इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैंने मेरे मतलब रियल लाइफ में वैसा कई बार देखा है, आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, क्योंकि हम इसकी सीरीज पूरी कंप्लीट करने वाले हैं अभी।
तो सब्सक्राइब नाउ। और यहाँ पर हम ट्रेन स्टेशन से ट्रेन स्टेशन पर ही पहुँच चुके हैं दूसरी तीसरी बार, पता नहीं क्या होगा आगे। तो चलते हैं आगे, लेट्स गो। 1800 मीटर हमें और कुछ भागना है अभी, और हम चलते ही जा रहे हैं वैसे यार अभी, और चलते हैं, लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी का दार बढ़ रही है, पर मैं ना ये टैंकर मेरे को दिखते हैं ना, इन पर मैं फायर कर देता हूँ जिससे टैंकर फूटते हैं और हमारा काम इजी। ये ज़ॉम्बी उतनी जगह के ब्लास्ट हो जाते हैं यार उसके साथ ही। और नहीं 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 भाई साहब, ये दो गोली वाली थी ज़्यादातर है ना, इसमें मेरे को लड़कियाँ नज़र आती है, मतलब लड़की ज़ॉम्बी, समझ सकते हो ना आप, गर्ल्स ज़ॉम्बी। ये देखो गर्ल्स ज़ॉम्बी ज़्यादा, मतलब गर्ल्स की तगार मतलब हमारे देश में ज़्यादा ही है, रियल लाइफ जैसा ही कुछ ना मेंटेन करके बनाया हुआ है उनका लगभग, पर इनमें जितना बंदे मतलब लड़का में जितनी ताकत नहीं, लड़की में ज़्यादा है। लड़की एक दान में नहीं मरती, लड़का एक दान में गिर जाता है देशों में। अभी लड़की को फायर किया, दो दान में गोली मरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रुक जाओ, लड़का को मारा मैंने, वो एक दान में गिर गया, ठीक है। मैं अभी आगे लड़का को मारूंगा, कोई मिलेगा तो मेरे को, काफ़ी ज़्यादा मिल तो रहे हैं पर मैं मार नहीं रहा हूँ। ये देखो, ये लड़का लड़की है, ये इसको नहीं मारेंगे हम, शायद हमारा लेवल ही कंप्लीट हो जाएगा पर हम मार नहीं पाएंगे। चलते हैं आगे तरफ, काश ये मशीन चलती है। देखो एक बार में गिर गया है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि लड़कियाँ ना दो बार में गिरती हैं, और लड़के देखो एक बार में जा रहे हैं सब के सब लड़के, और लड़कियाँ है ना एक बार में नहीं जाती, उनको है ना दो तीन बार मारना पड़ता है। काश ईजिली, ये देखो लड़की दो तीन गोली मरी, ये मेरे पता है यार, पता नहीं ऐसा क्यों है, पर शायद लड़की पे ये ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ती गोली के, क्योंकि वो ज़्यादा ही इन्फेक्टेड, मतलब ज़्यादा उन पर गोली का असर है। तो हमारे पास गोली तो काफ़ी ज़्यादा है, पर क्या कर सकते हैं, हमें उनको सेव करके खेलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ज़्यादा ज़ॉम्बी है ना वो हमें उड़ा के चल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे को एक बात सही लगी इस गेम की, क्योंकि अच्छी लगी यार, जैसे हम गोली हमारी 10 गोली बची और हम रिलोडिंग के टाइम पे अगर उस क्रेट के पास चल जाते हैं ना, यहाँ पर हमें एमओ मिलती है, तो हमारी गोली ऑटोमेटिक जितनी हमारे 10 गोली है ना हमारे पास, तो 40 गोली आ गई जैसे मेरे पास, ऐसा हो जाता है। 20 गोली हमारे पास बफर में पड़ी है अभी। तो भाई लोग, हेलेन का कॉल आ चुका है और वो बताती है कि मैं काफ़ी टाइम से सोई नहीं हूँ, और दोनों ही सोए नहीं हैं वैसे यार, दोनों ही बताते हैं एक दूसरे को, और पूछता है कि तुम ठीक हो, तो हाँ हेलेन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और अब है ना यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, तो रोड है ना काफ़ी शांत है, मतलब कोई ज़ॉम्बी मेरे को नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से ना एक कार चोरी करने की कोशिश करूँगी, जिसमें मतलब चाबी अभी होंगी यार काफ़ी ज़्यादा कारों में, तो हो सकता है उसमें फ्यूल व्यूल हो, वो ढूंढने की कोशिश करेगी। तो जेम्स उसको बताता है कि भाई तू मतलब सेफ़ रहना, सेफ़ होकर काम करना आराम से शांत तरीके से। तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में, सर्वाइवर टर्न आप देख सकते हो, इसमें हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो भाई लोग, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब आगे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, क्योंकि भाई साहब वो कार ढूंढेगी, पता नहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, और हम भी आगे बढ़ेंगे, और आगे की स्टोरी और भी ख़तरनाक होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।